आज मैं तुम लोगों के साथ देखने वाला हूँ एक हॉरर एनिमेशन स्टोरी जो कि बनाई है हमारे प्यारे खूनी मंडे जी ने। एंड यार काफ़ी टाइम हो गया था ऐसे हॉरर कंटेंट बनाए हुए, तो मैंने सोचा सीधा एकदम नेक्स्ट लेवल ही जाते हैं। तो यस, मैं चुन के लाया हूँ सबसे स्केरीएस्ट हॉरर एनिमेशन। लेट्स जस्ट गो मैन। वीडियो लाइक कर दो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, एंड चलो देखते हैं। ऑल राइट, पिज्जा डिलीवरी हॉरर स्टोरी, हियर वी गो। बिस्मिल्लाह। ओ बाय द वे, क्या तुम इसे कुछ लोगों को पता है पिज्जा करके एक शायद हॉरर मूवी भी थी, ठीक है, मतलब है। एंड जब मैंने पहली बार देखी थी भाई मेरे को अब नहीं डर लगता, बट उस टाइम बहुत डर लगा था उस मूवी को देखने में। या लेट्स जस्ट गेट इट मैन, मैं कहां जा रहा हूं। ओके, पिज्जा डिलीवरी हॉरर स्टोरी। ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। सच? ये घटना जॉन के साथ तब हुई जब वो अपने भाई, एक तो ये हर हॉरर स्टोरी या हॉरर मूवी के पहले जो सच्ची घटना वाला लग जाता है ना, ये डर को और इनटू 100 कर देता है। ठीक है भाई, कोई ना, डरना नहीं है अभी, एनिमेशन है भिक्षु वो, कम ऑन। जॉन भैया क्या हुआ? कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। ओके। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज्जा शॉप का फोन बजा। जॉन ने फोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा। जॉन भाई, अगर कोई ऑर्डर सहमी आवाज में रात को दे रहा है तो समझ जाओ ना भैया, लोचा है, बहुत जोर का लोचा है। हाँ वैसे वो थोड़ा रूड भी होगा कि सीधा ही फोन काट दे वो सहमी आवाज सुन के, मेरे जैसा भट्टू होगा फिर तो। हाँ सॉरी, क्योंकि पिज्जा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। ओह डैम। मगर और फिर भी आदमी ने चार भाई, फिर तो आपको और शक हो जाना चाहिए ना। तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया। ओके, ज्यादा पिज्जा थे क्या? क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसों की जरूरत भी थी। हां यस, कॉलेज स्टूडेंट। जॉन जल्द से जल्द पिज्जा लेकर भाई इतनी डरावनी जगह पे क्यों है शॉप? डिलीवरी एड्रेस उस पिज्जा शॉप से काफी दूर शहर के आउटस्कर्ट्स में था। okay. देर रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी काफी सुनसान था। Obviously भाई, जंगल में तुम्हें ढोल ताशे थोड़ी ना बजते हुए मिलेंगे। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो खूनी मंडे भैया? ये जॉन जा कैसे रहा इतनी रात को, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। मेरे को जंगल के तुम पास भी खड़ा दो, मैं खड़ूंगा ही नहीं। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी। ब्रो तू जंगल में है। इसकी वजह से वहां अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद चल कैसे है? जॉन उस एड्रेस पर पहुंच गया। ओके, पहुंच भी गया। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। जॉन भाई रन, अरे जॉन भाई भागो, जॉन भाई क्या कर रहे हो? आपको घर नहीं दिख रहा है क्या? पिज्जा की पड़ी है आपको, टिप की पड़ी है भाई, दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। ऐसे घर पे कौन पिज्जा पार्टी करेगा? हाँ मेहमान तो करेंगे नहीं, भूत ही बुला रहा होगा ऑब्वियसली। जॉन भैया ना समझ है, कोई बात नहीं, जॉन भैया हम आपके साथ है। फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की देख रहा भी लाइट नहीं जल रही थी, बिजली बचा रहा होगा भूत। आस पास कुछ हलचल भी नहीं थी। अच्छा, ये भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा है डैम, और उस घर में कोई रहता ही ना हो। मैं बोल बोल के कॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार जो जूम कर रहे हैं ना घर पे भाई, बहुत डरावना है घर, बहुत डरावना है घर। कितने बज रहे हैं मैं तुम्हें कैसे बताऊं? रात के 1 बज रहे हैं अभी। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था। भाई ऑब्वियसली उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को वो सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहां से वापस चले जाना चाहता था। तू जा, मैनेजर ने मैनेजर को बाद में बता दियो, जॉन प्लीज गो। भाई एक तो ये मेरे को हॉरर वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए क्यों आवाजें आती हैं? रुको। लेकिन उसके मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। जॉन अगर बिना मैनेजर को बताए वो चारों पिज्जा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। भाई मैं इतना घुस क्यों रहा इस सीरीज में? बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फोन नहीं उठाया तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। अच्छा।
जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर की अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। बस आ गया, आ गई दादी माँ पिज्जा लेने। लेट्स गो, पिज्जा देना, साथ में कुछ और भी मिलेगा, बहुत प्यारा। बढ़ाया, मैनेजर को कॉल करने वाला। भाई मैं पूरा घुस चुका हूँ इस स्टोरी के अंदर, लेट्स गो। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। अच्छा, शायद अंदर मुझे तो नहीं आता। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक ओके सॉरी उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, अंकल जी पानी पिला दीजिए। सॉरी मेरे को दिमाग में यही आया। ओके ओके, मजाक नहीं भिक्षु। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। नहीं खोलेगा कोई भी। जॉन ने फिर से बेल बजाई। जॉन तेरे को कोई पसंद नहीं करता। उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। ओ डांस क्लास। लेकिन फिर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। क्यों खोलेगा? जॉन वापस जाने ही वाला था। रुको यार, एक कॉल करके मैं पूछ लूं क्या हो रहा है। डमडम हेलो, कहाँ है? घर पे है। अच्छा सो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई भाई घर पे छत पे डम 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 क्यों हो रही है? ओके नेवर माइंड। कि अचानक से वो दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ फट्टू ना दिखूं मैं कैमरे पे। घबराया हुआ अंदर घुसा। बार्बर शॉप। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी। ओ। और वहाँ कोई भी नहीं था। घर तो प्यारा लग रहा है। जॉन ने आवाज लगाई, हेलो कोई है? ओके सॉरी। जॉन ने आवाज लगाई, पानी 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 पानी। प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। ले लो, कितना प्यार से बोल रहे जॉन। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े सोफे के नीचे एक काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ। भाई ऐसे क्यों आवाज है बिल्ली की? ऐसी होती है लेकिन टाइमिंग बहुत बेकार है। उस रूम की लाइट्स और टीवी ऑन हो गया। ये क्या देख रहे हो भूत? साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज भी आने लगी। जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। जॉन भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ब्रेक दे दो जॉन भाई, थोड़ी थोड़ी सी चिरचिर हो गई है भाई। ये रात को मैं बच्चों की आवाजें सुन रहा हूँ। I really don't want to do this. कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस रूम के अंदर गया। ओके। वहां दो छोटी सी लड़कियां बैठी थी। वो दोनों वहां बेड पर इसकी नाक मोटी क्यों है दूसरे वाले की? जॉन को अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। लड़कियां भी लाइक नहीं, तू पिज्जा मत ले गया, तू वापस जा, किसी और को भेज। कहने लगा कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है और वो लोग हैं कि दरवाजा ही नहीं खोल। भाई नहीं पसंद तुमने। जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था। अच्छा, लेकिन वो दोनों फिर भी I'm sorry. वहीं बैठी They are looking बिना कुछ बोले, बस जॉन को घूरे जा रही थी। भाई पीछे क्या बज रहा है? जॉन ने फिर कहा, मेरे टंटन बज गई। कौन है भाई? मैंने फोन को साइलेंट पे कर दिया, सब डरा रहे मेरे को यहाँ पे मिलके। दोस्त का फोन आ रहा है, मेरी डीपी दिख रही है। नहीं वाह भाई, सही टाइम है बहुत ज्यादा पूछने का। पिज्जा देने आया हूँ, तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? नहीं है भाई, पेमेंट नहीं मिलेगी तुझे। लड़कियों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। यो स्टिपिडी टॉयलेट। सॉरी, दिस इज माय कोप अप, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो जॉन के ठीक पीछे था। व्हाट? जॉन पीछे पलटा तो वो घबरा उठा। क्या था? उसके हाथ से चारों पिज्जा के डब्बे नीचे गिर पड़े। अरे भाई गधे! ठीक सामने एक भयानक तू कहां से आई? तुझे किसने बुलाया है? भाई देखो सच बताऊं, आई वॉज रेडी फॉर दिस, बट मेरे को नहीं देखना इसे। मैं आंख बंद कर लूंगा, मैं रात में अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा भाई सो रखा है, मैं किसी को उठा भी नहीं सकता हूँ। ये सब देखकर जॉन डर के मारे कांपने लगा। भाई कोई भी कांपेगा। जैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और हाँ? वहां से निकल गया। अच्छा, मगर जॉन भाई पे तो बाइक थी नहीं, स्कूटर। ओके आगे।
उस औरत का साया और वो दो लड़कियां उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए। तुम्हें इतना प्यार हो गया जॉन से? जॉन अभी कुछ ही दूर पहुंचा। जॉन से ना बन जा। फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। अरे एकदम से बाइक के घिसटने की आवाज आने लगी। अरे और बाइक बंद पड़ गई। भाई बहुत सही टाइमिंग। सहमा हुआ जॉन बाहर रोने लगा और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंक्चर था। बड़ा सही निशाना मारा तूने भूतनी। मैं बता रहा हूँ भूतनी ने किया, पक्का भूतनी ने किया ये। उसने डर के मारे पुलिस को फोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। अरे भाई झाड़ फूक वाले को बुला, पुलिस को क्यों? और अचानक ही उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। मत जिसे देख कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो बढ़िया है ना, जल्दी पहुंच जाएगा घर। औरत का साया और वो दो बच्ची खड़ी थी। ये बच्चे लेते जाओ, ये बच्चे तुम्हारे हैं। ओके सॉरी। वो तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ आ रहे थे। पानी 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 बिक्सू प्लीज 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 सॉरी। हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। हाँ, अब तेरा मैनेजर कुछ नहीं बोलेगा। वो बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। अरे भाई वो बस अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। ओ लेट्स गो। उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर स्कूटर दिया। खूनी मंडे सर स्कूटर। बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। व्हाट? उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के ब्रो पुलिस को सब बता दिया। पुलिस को काम करने देना अपना, तू घर जाना। चार पिज्जा गिरा दिए, बाइक तूने तोड़ दी होगी, पंचर तूने करवा लिया, भूतनी से तू मिल लिया। अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में कोई नहीं मिला। अच्छा। अगली सुबह जॉन को ये पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है। और तो और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थीं, जिनका एक रोज अचानक मर्डर हो गया था। ये जानकर जॉन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस दिन जिन लोगों को उसने देखा था वो उस औरत और उसकी छोटी बच्चियों की तो ही आत्मा ही थी, जो शायद पिज्जा मंगा रही थी। बहुत ज्यादा पिज्जा की क्रेविंग हो गई थी लग रहा है उन्हें। पिज्जा ना बहुत ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है, इंसानों को तो पसंद है ही है, भूतों को ही पसंद है, देखो तुम खुद। घर में कैद है तो पिज्जा से छूट जाएंगे वो। मगर उसे कभी ये समझ नहीं आया कि वो फोन आखिर किसने किया था। मैंने जॉन भाई मैंने किया था, मैंने इधर हेयर। इस हादसे के बाद जॉन ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी। अरे वो जब भी वो हादसा याद करता है तो बुरी तरह कांप उठता है। सॉरी जॉन भाई इस ट्रॉमा के लिए। अरे खत्म एकदम से भाई, कुछ एंडिंग तो देते। मैं डर गया। ओके तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं और देखूं तो कमेंट करना और बताना मेरे को। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट। बीट पे गदर मचेगा, खटेगा ये पिज्जा सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा। स्वैर चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।